बहुत बार जब हम किसी लिंक को ओपन करते हैं तो वो लिंक डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाता है या फिर डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लिंक ब्राउजर में ओपन होना चाहिए या फिर उसी एप्लीकेशन में ओपन होना चाहिए। ये आप अपने अनुसार कैसे कर सकती है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताया गया है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर आपको उस लिंक को ब्राउजर में ओपन करना होता है तो वो लिंक डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है जिसका वो लिंक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है तो मैं इसको ब्राउजर में ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये एप्लीकेशन में ओपन हो रहा है। मेरे पास दूसरा लिंक है यहाँ पे अमेजोन का है, मैं इसे एप्लीकेशन में ओपन करना चाहता हूँ लेकिन ये यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ओपन हो रहा है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया गया कि आप लिंक को अपने अनुसार किसी भी जगह पर कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आपको लिंक को एप्लीकेशन में ओपन करना है तो वो लिंक आपका एप्लीकेशन में ओपन होगा, लेकिन अगर आपको उस लिंक को ब्राउजर में ओपन करना होगा तो वो लिंक आपका ब्राउजर में ओपन होगा। क्या तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिसेंट में से इन एप्लीकेशन को कट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर रिसेंट पर दोबारा से क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके रिसेंट में यहाँ पे मैनेज ऐप ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे बैक आना है। इसके बाद आपको यहाँ मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ऐप्स की सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन के नाम से भी ये सेटिंग हो सकती है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे मैनेज ऐप्स की सेटिंग आ चुकी है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ओपनिंग लिंक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल के वो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे जो लिंक को सपोर्ट करते होंगे। तो जिस किसी एप्लीकेशन में ये सेटिंग करनी है तो सिंपल सा आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मुझे इस सेटिंग को यहाँ पे अमेजोन में करना है तो मैं यहाँ पे अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन सपोर्टेड लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डोंट ओपन पर क्लिक किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डोंट ओपन पर क्लिक करके अमेजोन के किसी भी लिंक को ओपन करूँगा तो वो लिंक मेरे ब्राउजर में ओपन होगा। अगर आप यहाँ पे ओपन पर क्लिक करके किसी भी अमेजोन के लिंक को ओपन करेंगे तो वो लिंक आपका डायरेक्ट आपके अमेजोन के एप्लीकेशन में ओपन होगा, लेकिन अगर मैं डोंट ओपन पर क्लिक करता हूँ और दोबारा से इस लिंक को ओपन करता हूँ तो ये लिंक मेरे ब्राउजर में ओपन होगा। तो देख सकते हो लिंक एक ही था, लेकिन जब मैंने इस सेटिंग को किया तो अलग अलग जगह पर ये ओपन हो रहा है। लेकिन अगर कई बार आपको उस लिंक को ब्राउजर में ओपन करना पड़ जाए लेकिन आपने यहाँ पे लिंक को एप्लीकेशन में ओपन करने की परमिशन दी हुई है, तो आपको यहाँ पे दोबारा से आके यहाँ पे ये सेटिंग यहाँ पे ब्राउजर में ऑन करनी होगी, तभी आपको वो लिंक ब्राउजर में ओपन होगा। आपको यहाँ पे बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े तो इसके लिए आपको यहाँ पे आस्क एवरी टाइम आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जब भी आप अमेजोन का कोई भी लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ये लिंक आप किस में ओपन करना चाहते हो, ब्राउजर में ओपन करना चाहते हो या फिर एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे रिमेंबर माई चॉइस इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इस लिंक को ब्राउजर में ओपन कर लेते हो या फिर एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हो, इसके बाद जब भी आप अमेजोन का कोई भी लिंक ओपन करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी जगह पर ओपन हो जहाँ पर आप इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे। तो अगर आपको YouTube लिंक को YouTube एप्लीकेशन में ओपन करके उस वीडियो को वॉच करना है तो आपको यहाँ पे ओपन पर सिलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर आपको YouTube की वीडियो ब्राउजर में देखनी है तो आपको यहाँ पे डोंट ओपन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन में ये सेटिंग करेंगे तो आपका लिंक आपकी मर्जी से ओपन होगा।